टेक लाइसेंस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं यहां आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ईवीएस का पेपर सॉल्यूशन। तो दोस्तों समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत कर देते हैं यहां ईवीएस के पेपर के। तो यह पहला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, बहुत इजी पेपर आया है, जैसा उम्मीद भी नहीं की होगी किसी ने, इस तरीके का पेपर यहाँ आपको आज मिला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं मुश्किल किसी को भी। ध्रुव तारा कहा जाता है किसको, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, या उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को? तो बिल्कुल ये सबको पता है, जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी तारे को कहा जाता है, और इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, वो यहां इसकी बात करते हैं 1981 में, 1973, 1972 या 1985। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आप सभी को पता है, तो 1973। ये बहुत बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही जल्दी से यहां आंसर करेंगे स्पीड के साथ में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात? बहुत ही जल्दी से बताइए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये सबको पता है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब है, थोड़ा सा आपसे पहले शायद नहीं पढ़ा हो आप लोगों ने, तो चलो मैं इसको फिर भी आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपका, लखनऊ समझौता 1916 किन देशों के मध्य हुआ था? ब्रिटिश और भारतीयों के मध्य, हिंदू मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य, या नरम दल के गरम दल के मध्य? तो ज्यादातर बच्चों ने कई बार देख रहे हैं कि किसी ने ये डी लगाया, किसी ने सी लगाया, लेकिन इसका राइट आंसर की अगर बात कर देते हैं तो इसका राइट आंसर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है, एक समझौता किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जंगली गधों का अभ्यारण कहां पर है? ये बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जंगली गधों का जो अभ्यारण की बात करते हैं तो इसका ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे फटाफट, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिवता के माध्यम से रेडियो एक्टिव पदार्थों के जो के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कार्बन डेटिंग जो है, जो प्राचीन स्थल पर मौजूद हड्डी और उनके सामग्रियों की आयु मापन में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसका बी भी, इसका बी इज राइट आंसर इसका, बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, बहुत ही बढ़िया पेपर आया है, बहुत अच्छा। इसके बाद संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 21 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, या 20 जनवरी 1950, या 13 नवंबर 1949? तो यहां इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? अगर यहां इस क्वेश्चन की बात करें, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, या इसमें सभी? ये आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बायोमैग्निफिकेशन तो चित्र के आकार में नहीं होगा, जीव के आकार में नहीं होगा, ये समय के साथ ऊतक में विषैले, जो टिश्यूज होते हैं उसमें विषैले पदार्थों की बढ़ती कंसंट्रेशन होता है, तो इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल के अजैविक घटक नहीं है? क्वेश्चन बड़ा अजीब तरीके से घुमाया है, ये बहुत बार करा चुका हूं मैं आप लोगों को, तो यहां अगर इस क्वेश्चन की बात करें, कौन से जैव मंडल के अजैविक घटक नहीं है, यानी कि वो जैविक घटक को पूछा कि कौन जैविक घटक है, ये अजैविक है, ये अजैविक है, ये अजैविक है, ये केवल जैविक घटक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में, या नागासाकी में?
बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी से स्पीड के साथ में यहां पर करेंगे। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत ही इजी पेपर, बहुत ही जबरदस्त अच्छा पेपर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक जल प्रदूषण की बात की गई है, तो सबसे ज्यादा जो है आर्सेनिक जल प्रदूषण वो पश्चिम बंगाल में है, वो पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क हैं क्यों, ये आप लोगों को बताना। भारत के पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क हैं क्यों, रेन शेडो प्रभाव, उच्च तुंगता प्रभाव, निम्न ताप प्रभाव या दाब प्रभाव। तो भारत में जो पश्चिमी घाट है वहां पर जो उनकी शुष्कता जो निर्भर करती है, वहां की होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है, तो ये रेन शेडो प्रभाव कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रेन शेडो इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। यहां बहुत बार कंफ्यूज हुए थे, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972, 1962, 1960 या 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था वो कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो 1972 इसका राइट आंसर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू हुआ था वो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वायुमंडल की ऊपर की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण क्या कहलाती है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में होने वाली सूर्य विकिरण जो होती है उसको सूर्य तप कहा जाता है। उसको सूर्य तप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस देश के संविधान के मौलिक कर्तव्य लिया गया है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर यूएसएसआर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या दोरंग घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपकी वो शांत घाटी के अंदर पाई जाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, साइलेंट वैली के अंदर पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। ये कंफ्यूज करा रहा क्वेश्चन, बहुत बार मैंने पढ़ा है, इसकी ट्रिक भी आप लोगों को बता रखी है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाला है, बिल्कुल सही बात है। उच्च उष्मीय मान का है, बिल्कुल सही बात है। स्वच्छ ईंधन है इसलिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, सरकार भी जोर देती है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला, ये बिल्कुल गलत है और इसमें असत्य ही पूछा है। तो राइट आंसर इसका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, उत्पादक उपभोक्ता, जैविक अजैविक, पौधे जंतु या उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। अब यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहां बहुत सारे बच्चे इसको क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। उन्होंने क्या सोचा कि पर्यावरण के घटक सोचे, पर्यावरण के घटक उत्पाद जो जैविक और अजैविक घटक हैं, जैविक अजैविक पदार्थ जो है वो पर्यावरण के हैं। तो यहां पूछा पारिस्थितिक के, पारिस्थितिक के पूछा, तो पारिस्थितिक के जो घटक होते हैं उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, मकर रेखा है वो 23 से ही 1/2 डिग्री साउथ में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मकर रेखा की अगर बात करते हैं तो ये ज्यादा नहीं है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था, उडम ने किया था, एजी टेंसले ने किया था, आर डी मिश्रा ने या विटेकर ने। तो ये टेंसले के द्वारा किया गया था, तो ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर यहां, बिल्कुल स्पीड के साथ में आंसर करते रहे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। फटाफट फटाफट आंसर चेक कीजिए अपने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ
घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज वाला है, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज वाला है, ये विवादित प्रश्न रहा है। कई बार इसका आंसर जीवाणु दे दिया जाता है, कई बार इसका मांसाहारी दे दिया जाता है। यहां अगर घास भूमि पारितंत्र क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी होता है। राइट आंसर इसका मांसाहारी है। ठीक, साथ में कई बार इसको जब लास्ट टाइम ये प्रीवियस पेपर का आया हुआ भी है, वहां पर इसको ए भी माना गया था, उस जगह इसको ए भी माना गया था। वैसे इसका राइट आंसर की बात करें, घास स्थल की बात करें, घास भूमि क्षेत्र की बात करें, इस खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है, क्योंकि वो मांस को खाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारे अकॉर्डिंग बी होगा। बाकी आप इसको स्टार कर सकते हैं, आयोग इसको क्या मानता है, लेकिन इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है, मांसाहारी होगा, किसी भी घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला का सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी का के सबसे पास है, बहुत ही जी पता नहीं पेपर ऐसे उठा उठा कर पकड़ा दिए ऐसा लग रहा है मुझे। वायुमंडल के प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास, सबसे पास कौन सा है? सबसे पास की अगर बात करते हैं तो सबसे पास में संताप मंडल, ये ऑप्शन नंबर तीन, यानी कि सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। यह थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन है, शायद किसी ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो वो बात अलग है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 16 अक्टूबर 1990 को, या 10 दिसंबर 1980 को, या 11 मई 1972, या 11 दिसंबर 1990। तो ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया जो है पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, पर्यावरण को बचाने में कौन सी कृषि सहायक है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ज्यादा मुश्किल नहीं है। अधिक उपज वाली किस्म की खेती, यह लाभदायक नहीं, यह हानिकारक है, क्योंकि उसके लिए फिर आप कहीं यूरिया लगाओगे, कहीं केमिकल लगाओगे, पेस्टिसाइड उसमें इस्तेमाल करोगे, ग्लास हाउस में पौधे लगाना ये भी नहीं होगा, शिफ्टिंग खेती भी नहीं होगा, लेकिन जैविक खेती को अपनाकर हम अपने आप को भी और कृषि को भी सॉरी पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, अम्लीय वर्षा संबंधित है। भाई अम्लीय वर्षा की अगर बात करें तो ताजमहल वाला क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा होता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ ये रहा, बहुत सिंपल सा एक एक वर्ड में, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की या समझने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी करके पेपर को बनाया गया है। WWF से क्या मतलब है? WWF फुल फॉर्म पूछिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ बहुत इजी, फूलों की घाटी स्थित है, कहां है फूलों की घाटी? बहुत बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी चमोली जिला, फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? कौन सी एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, या सर्वे ऑफ इंडिया? ये आप लोगों को बताना है बहुत ही जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें। तो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो
प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डिक्टियो क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर है, डिक्टियो है बिल्कुल सारा, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, अगर आप मेरी वीडियो भी उठा उठा कर देखेंगे तो सारा टोटल पेपर उसी में है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है एंडीज में, हवाई में, सिसली में या रॉकीज में। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी की बात करते हैं, तो कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और तिब्बत की सांगापो नदी जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में जाकर वो सांगापो नदी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, तो भारत के अंदर ये ब्रह्मपुत्र के नाम से आती है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये था आपका ईवीएस का पेपर सॉल्यूशन, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस पेपर को बड़े अच्छे से करके आए होंगे, बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों ने यहां देखा हो गया, अब इस वक्त में अभी आपके सामने कामनी मैम सीडीपी का पेपर ले सॉल्यूशन लेकर आ रही हैं आपके सामने, तो बहुत ही जल्दी से बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा नित्या क्लासेज को। तो दोस्तों थैंक यू, कामनी मैम स्वागत है।